अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर शफकत फारूक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल किट नो इट इफ यू डोंट। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था पिछले व्लॉग में कि इस व्लॉग में मैं बात करूंगी इन्फोडेमिक। आपके लिए नई टर्म है लेकिन एक बड़ी सिंपल सी टर्म है। इन्फोडेमिक का मतलब ये है कि ओवर अबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर के एक्यूरेट इंफॉर्मेशन भी होती है, इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन भी होती है और मिस इंफॉर्मेशन भी होती है, और ये एपिडेमिक ऑफ इंफॉर्मेशन भी कहलाती है। यानी इन्फोडेमिक जो है ना, यानी एपिडेमिक ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसको के एब्रिविएट करके आपने इन्फोडेमिक बना दिया गया। बेसिकली ये यानी आप देखें ओवर अबंडेंस ही है ना हमारे यहाँ। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी थी ना कि भाई वो टिकट चल रहा होता है, शायद इसमें भी आ जाएगी, मैं आपको वो एग्जांपल दूंगी कि ये किस तरह होती है ना। आप YouTube को खोलें तो जो टॉप के ऊपर होती है उसके बाद आप पूरा दिन लगा दें ढूंढते हुए, वो नज़र ही नहीं आती क्योंकि ऊपर बहुत सारी पूरा एक लॉग होता है ना पीछे लगा हुआ लाइन में, तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। तो वो जो पॉडकास्ट वाले हैं ना, वो इसलिए उसको डाउनलोड करके रख लेते हैं, जब उनका दिल चाहता है कुछ नहीं उनके पास बोलने को होता तो उसको लगा देते हैं, लेकिन यूट्यूब के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। YouTube या तो आपको खुद से उसका वो रखना पड़ेगा तो, या फिर आप वो उसको ढूंढ कर, तो फिर उसको बाद सर्च करके तो उसको आप पढ़। अब ये जो हाई वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन है और ये इतनी तेज़ी के साथ ये ट्रांसमिट होता है कि आप इसकी वैल्यू को असेस ही नहीं कर सकते। जाहिर है एक चीज़ आपकी आंखों के सामने आई और एक वुडवर्ड्स की वो थी फ्रॉम द रेलवे कैरेज, एक हमने पोइट्री पढ़ी थी वुडवर्ड्स की, पता नहीं आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, मैट्रिक में गालबन पढ़ी थी हमने, फ्रॉम द रेलवे कैरेज, जिसमें वो कहते हैं फास्टर देन फेरीज फास्टर देन विचेस, के यानी फेरीज से भी ज़्यादा और चुड़ैलों से भी ज़्यादा तेज़ी के साथ उनके सामने चलती ट्रेन में से जो बाहर का मंजर होता है ना, वो इतना तेज़ जा रहा होता है, उसको वो उससे तशबीह देता है। बड़ी ज़बरदस्त है ये पोइम, आप पढ़िएगा वुडवर्ड्स की है। तो वो ये बिल्कुल एग्जैक्टली यही वो कह रहा है कि ये इतनी तेज़ी के साथ ट्रांसमिट हो रही होती है कि ना तो आप इसकी वैल्यू को असेस कर सकते हैं, ना ही आप इसके रिजल्ट को कहीं अप्लाई कर सकते हैं, ना ही आप इसकी हिस्ट्री को कहीं ट्रैक कर सकते हैं। इसलिए इन चीज़ों के ऊपर टाइम वेस्ट, वो इन चीज़ों को जानने की कोशिश करना ही वो कहते हैं कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि ये आपको कोलैटरल ग्रोथ दे देगा मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन और मैल इन्फॉर्मेशन की। यानी आप के पास जितनी तेज़ी से जिस किस्म की इन्फॉर्मेशन आ रही होती है आप एनालाइज करने बैठें, तो मोस्टली आपके हाथ में जो चीज़ आएगी वो या तो मिस इन्फॉर्मेशन होगी या डिस इन्फॉर्मेशन होगी या मैल इन्फॉर्मेशन होगी। अब ये मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मैंने एक्टिव साइंस में, एक्टिव फील्ड में मैंने 37 साल गुजारे हैं, और ये चीज़ जो है ना, ये रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि सारी के सारी मिस इन्फॉर्मेशन, मैल इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, ये मैंने एक्सपीरियंस किया COVID-19 में, और ये यकीनन आप लोगों ने भी COVID-19 के दौरान ज़रूर किया होगा, ख़ास तौर पे अपने व्हाट्सएप मैसेजेस के ऊपर, जिसकी मेमोरी जो है ना वो शायद फुल हो जाएगी, और रोज़ाना कोई लम्हा कंटिन्यूसली मैसेजेस आ रहे हैं, मस्ट रीड एज फॉरवर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, ये किसी बंदे को, फलां बंदे को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह माफ़ करे, ये जो वो कहते हैं उन्हीं के ऊपर जाए अगर ये सही है या गलत है, कि जी वो ख्वाब में आए थे, उन्होंने कहा था कि ये चीज़ खा लो कोरोना ख़त्म हो जाएगा दुनिया से, ओ माई गॉड, क्या क्या कुछ नहीं हुआ, कि आप ये खा लें, आप वो खा लें, आप ये ना करें, आप वो ना करें, आप प्रोटोकॉल खा लें, आप लॉकडाउन कर लें, आप सोशल डिस्टेंसेस कर लें, आप मास्क पहन लें, आप कर्फ्यू लगा दें, आप घरों पर खाना दे दें, यानी एक पागलपन, मैडनेस फैल गई थी उस वक्त। एक तो कोरोना था, ऊपर से ये जो लोग कर रहे थे ना, यानी घरों में बैठे हुए थे ना, ज़्यादा बाहर नहीं निकल सकते, किसी से मिल नहीं सकते, किसी के घर नहीं जा सकते, बस बैठे हुए वो यही काम कर रहे हैं। अब जैसे कि मैंने कहा ना, उसके ऊपर आमतौर पे जो व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं ना, माइल्स लॉन्ग मैसेजेस होते हैं, ऊपर लिखा हुआ होता है एज फॉरवर्डेड, यानी मुझे किसी से आया था, मैंने आपको दे दिया। अब हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि हमारे पुराने पाक में ये अल्फाज हैं कि किसी के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात जो है ना वो आगे फैला दें। ज़रा सोचिएगा हम व्हाट्सएप पर करते क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है।
अच्छा या लिखा होता फॉरवर्ड एज रिसीव्ड, अच्छा, या फिर लिखा होता मस्ट रेड। ये तो बहुत उसमें जो कोरोना का दौर था उसमें तो हर स्टोरी के ऊपर लिखा हुआ था मस्ट रेड, और लोग पागलों की तरह, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, पढ़ते थे कि पता नहीं ये लोग क्या बता रहे हैं, कोई और ज़्यादा लोग मर गए, कोई नया वेरियंट आ गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया, ओ माई गॉड, इससे ज़्यादा पागलपन मैंने अपनी दुनिया में, अपनी होश में मैंने नहीं देखा। अब इन सारों का मकसद, ये जो सारे मैसेज आते हैं, इसका मकसद क्या था? मकसद एक ही था कि इसके सोर्स का किसी को पता नहीं है। अगर पता हो तो कम से कम मैं उससे ज़रूर जाके पूछूं कि ये क्या बकवास कर रहे हो भाई, तुम या तुम जो भी हो, तुम खातून हो या मर्द हो या कोई ट्रांसजेंडर हो, जो भी हो, व्हाट द हेल आर यू डूइंग, क्योंकि लोग क्या इसी काम के लिए बैठे हुए हैं? लेकिन उसका जवाब क्या होगा? वो कहेगा ना पड़े सिंपल। ये हमारे माशरे में होता है और सब, अब ये पूरी दुनिया में हुआ उस वक्त ना, क्योंकि वो ना भेजने वाले को पता होता है ना पढ़ने वाले को पता होता है, वो ये सोचते नहीं है कि क्या इसमें कोई सेंस है, क्या ये कोई मसलन एक मैसेज आया वहाँ पर कि वो जो है ना इंडियंस, उन्होंने कहा है कि जो गाय का गोबर है ना वो अपने जिस्म पे मार ले तो कोरोना ख़त्म हो जाएगा, ला हौल वला कुव्वत। अब इस पर आप हंस सकते हैं, लेकिन उस वक्त लिटरेरी कुछ लोग हंसते भी होंगे, लेकिन लिटरेरी लोगों को पागल कर दिया था इस किस्म ने ना। अच्छा, उसके बाद यूट्यूब चैनल्स थे उन दिनों जो के वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट कर रहे थे, क्रेडिबल स्टोरीज डिसमिनेट कर रहे थे, ट्विटर के ऊपर करोड़ों किस्म की वीडियोज और अकाउंट्स और मैसेजेस और वो सारे जो जादू टूने और दवाइयाँ और पता नहीं फला चीज़ खा लो, और यानी हकीमों की भी चांदी हो गई थी उन दिनों ना, बस कुछ ना पूछे। आप सब ने देखा होगा आपके फ़ोन पर भी, ज़ाहिर है मेरे फ़ोन पर तो नहीं, आपके फ़ोन पर भी आता होगा, और एक वक्त ऐसा आया था कि मैंने सोचा था कि इस सेल फोन को मैं हमेशा के लिए खैर बात कह दूँ, लेकिन ये भी मुमकिन नहीं है, इसे पार्ट एंड पार्सल ऑफ आर लाइफ। यानी इंसान, मैं तो कम से कम मैं सोचती थी कि क्या मैं पागल हूँ या ये लोग पागल हैं जो ये सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब लोगों के पास करने के लिए कुछ ना हो तो ये सारी की सारी जो है ना ये चीज़ें होती हैं। अब ये है चीज़ जिसने इन्फोडेमिक एंड इन्फोडेमियोलॉजी को जन्म दिया, यानी एपिडेमिक ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। मैं इसको मिस इन्फॉर्मेशन इसलिए कहती हूँ कि उसमें इन्फॉर्मेशन नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी, कोरोना था बस, वो हर तरफ था और बस फला ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एवरीथिंग इज रिलेटेड विद कोरोना, ये उन दिनों में आ रही थी और ये इतनी तेज़ी से आ रही थी जिसने इस टर्म को जन्म दिया, इन्फोडेमिक, यानी वो डिजीज़ ऑफ ओवरबर्डन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि डिजीज़ की हद एपिडेमिक के तौर पर, जिस तरह कोरोना एपिडेमिक था, ये इंफोडेमिक इंफॉर्मेशन का एपिडेमिक भी उसी वक्त, ये दोनों साइमल्टेनियसली साइड बाई साइड पैर। अच्छा, अब ये एक है गुंटर आइजेनक, ये एक जर्मन जो है उसने ये टर्म एक्चुअली इजाद की थी सन 2000 में, और मेरी ये जो है ना इसने अटेंशन उस वक्त कैच की जब मैं वो कहते हैं ना कि सर्च कर रही थी उस वक्त, यानी कोरोना ही के दौर में, कि जो कोई हेल्थ रिलेटेड भी कोई साइट है जहाँ से कि आपको ट्रू इन्फॉर्मेशन, जैसे कि WHO है या कोई और इस किस्म की है, तो ये जो जिसने ये टर्म इजाज की ना, ये गुंटर का, ये क्या है इसका नाम, आइजेनक, इसने जब ये टर्म इजाज की तो उसके साथ भी यही कुछ हुआ था, तो उसने फिर सोशल नेटवर्क जो है ना वो इंटरनेट सर्च की कि भाई कहीं से मुझे कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। उसको पता नहीं मिली होगी कि नहीं मिली होगी, लेकिन उसने ये टर्म बहरहाल इजाद कर दी, और उसने कहा कि, और ये टर्म जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2000 में हुई थी, और ये एक इसकी जो सिग्निफिकेंस थी, ये यानी 2000 में ये टर्म उसने इजाद कर दी थी, और ये अंडरस्टूड हुई 2019 में ड्यूरिंग कोविड, यानी 19 साल पहले उसने ये टर्म, आप सोचे कि 19 साल पहले उसके साथ क्या बीती होगी जिसने ये सारे ये टर्म जो है ना ये निकाली, और 2019 में हमारे सामने आ गया कि उस बेचारे गरीब का मतलब क्या था और उसके साथ क्या हुआ होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पहली इन्फोडेमियोलॉजी कॉन्फ्रेंस जो थी वो उसने की 30 से 16 जुलाई 2020 तक, और उसकी डिटेल्स जो है वो आप देख सकते हैं, इसमें लिंक दिया हुआ है, अगर आपकी इसको डिस्क्रिप्शन आप देखें तो उसमें एक लिंक दिया हुआ है। इवन अगर आपको ये लिंक ना भी मिले तो आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की
इंफोडेमिक कॉन्फ्रेंस जो है जुलाई 2020 में हुई थी, आप ये देंगे तो आपको उस पर मिल जाएगी, तो आप इसको पढ़िएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है, मुख्तसर है, ज़्यादा लंबी नहीं है लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब ये फिनोमेना जो इंफोडेमिक का है, ये एक्सकलेट इस हद तक हुआ कि वो लोग जो है ना, वो क्वालिटी इंफॉर्मेशन जो है ना उस तक वो नहीं पहुंच सकते थे। यही उसके साथ हुआ था, वो जर्मन साइंटिस्ट के साथ जिसने ये टर्म इजाद की थी, और यही आज तक भी लोगों के साथ यही हो रहा है कि भाई करेक्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली जाए। लेकिन मसला ये है कि जिस तरीके से पैथोजन, इसको इन्फोडेमिक क्यों कहा गया, जिस तरह पैथोजन जो है ना किसी भी बीमारी का स्प्रेड करता है, कोरोना आपके सामने मिसाल है कि वो एक पेंडेमिक था, और शायद बहुत सारे लोगों में ये लफ्ज पेंडेमिक जो है वो सुना होगा, इसी तरह ये जो मिस इन्फॉर्मेशन होती है इसके जरासीम जो है वो फैल जाते हैं, और इस तरीके से फैल जाते हैं कि फिर उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। मैंने अभी आपको विशियस रोल ऑफ वेपनाइज इन्फॉर्मेशन और इन्फोडेमियोलॉजी और वो सारे जो भी मैंने आपको बताया ना, उसमें मैंने सारा कुछ यही बताया है कि ये एक दफ़ा जब एंटर हो जाता है ना किसी के भी परसेप्शन में कोई चीज़, तो उसको आप पलाना जो है ना वो बहुत ही मुश्किल है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो ओपिनियन है एक, वो ये है कि इन्फोडेमिक जो है इसको आप मैनेज कर सकते हैं थ्रू अडेप्टेशन, डेवलपमेंट, वैलिडेशन एंड इवेल्यूएशन ऑफ न्यू एविडेंस बेस्ड मेजर्स एंड प्रैक्टिस टू प्रिवेंट, डिटेक्ट, रेस्पॉन्ड टू मिस एंड डिसइंफॉर्मेशन। यानी वो ये जो WHO है उसने जो क्रक्स उसका निकाला ना, जो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसने कहा था कि आप इसको, यानी जो इन्फोडेमिक है इसको आप मैनेज कर सकते हैं कि आप अडेप्ट करें वो हैबिट्स जो कि आपको इन्फोर्स करें कि आप चेक करें कि ये जो मैं खबर मेरे पास आई है ये सही भी है कि नहीं है, और उसको चेक करने के लिए आपको उसका एविडेंस तलाश करना पड़ेगा, और उसके बाद उस एविडेंस पे बेस करके उसके मेजर्स आपको लेने पड़ेंगे, और फिर उन मेजर्स को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कि जैसे कोरोना के दौरान उन्होंने कहा था कि ये फैल रहा है जरासीम, और ये चूंकि हाईली कंटेजियस है, तो इसलिए जिस भी घर में होता था वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली उसको आइसोलेट कर देते थे, उसको मास्क पहना देते थे, उसके नज़दीक कोई नहीं जाता था, और उस दवाई वगैरह उसकी कोई भी नहीं थी, लेकिन सिर्फ प्रोसीजर था और उसकी प्रैक्टिस थी। और उससे आप सोचिए कि हॉरेबल वो डेज थे, आप सोचिए ज़रा क्या हुआ था और कैसे लोगों ने, कितने लाखों लोग मर गए, और किस तरह पे इसके बावजूद चाइना जहाँ से ये ओरिजिनेट हुई थी सो कॉल्ड, उन्होंने वार फुटिंग के ऊपर काम करके किस तरीके से उन्होंने उसको कंट्रोल किया, इतना डैमेज नहीं हुआ। इंडिया इतना चूँकि एडवांस नहीं था टेक्नोलॉजिकली, लेकिन उसके हाँ इतने डेडली वेरियंट निकले, ओमिक्रोन जो था जिसने दुनिया को दहला के रख दिया था, और अभी ओमिक्रोन का एक और नया सब वेरियंट आ गया है, मैंने इसके ऊपर एक ब्लॉग भी लिखा हुआ है, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। तो मकसद ये है कि प्रिवेंशन जो है वो बहुत बड़ा एक क्योर है कि आप बीमारी को होने ही ना दें, उससे दूर रहें, उसके असरात को देखें, उसके सोर्स को देखें, उसकी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करें, और फिर आप उन प्रैक्टिसेस को प्रैक्टिस करें जिससे कि आप उससे दूर रहेंगे। अब ये है सारा मैंने आपको जो बताया है, मैं काफ़ी अरसे से रहा, पता नहीं बार बार के पता नहीं कितना कौन सा अपील होगा, 10वां तो यकीनन होगा जो मैं फेकरी एंड फेकरिज्म की बात कर रही हूँ। अभी तक तो हम इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे थे, अब मैं चूंकि एक साइंटिस्ट हूँ, तो अब मैं आपको अगला व्लॉग जो कि बड़ा मज़ेदार होने वाला है वो मैं आपको बताऊंगी, फेक साइंस एंड वेपनाइजिंग साइंटिफिक रिजल्ट। ये फेक साइंस क्या है और ये साइंटिफिक रिजल्ट को कैसे वेपनाइज करती है, और इसका फिर नतीजा क्या होता है। अब ये जो साइंस पढ़ते हैं उनको ये बिल्कुल पता होगा, लेकिन मैं आपको इस तरीके से बताऊं कि जो साइंटिस्ट नहीं भी है उनकी भी समझ आ जाएगी। तो आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। आपको ये व्लॉग अगर इन्फोडेमियोलॉजी का अगर पसंद आया हो, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आपको पता चले कि साइंस की दुनिया में फेकरी एंड फेकिज्म कैसे इस्तेमाल होता है, किस तरह हमारे रिजल्ट्स जो हैं उनको फोर्ज किया जाता है, फज किया जाता है, और फिर उससे जो आप शेडो टेक्नोलॉजीज लगाते हैं वो इस्तेमाल करके ही आज हमारा मुल्क जो है ना वो इस हालत को पहुँच चुका है। तो अपना ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज़।